हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, फाइनली शाओमी ने आज इंडिया में अपना शाओमी मी 11 लाइट एनी 5G स्मार्टफोन जो है लॉन्च कर दिया है। प्राइस पॉइंट आ चुकी है, स्पेक्स आ चुके हैं, ऑफर्स यहां पर निकल के आ चुके हैं कि जो प्राइस पॉइंट पे ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। फेस्टिव सीजन में इतने तगड़े डिस्काउंट आपको बाकी स्मार्टफोन पे मिल रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन के साथ में यहाँ पर ये कहाँ खड़ा होता है, एज वेल एज क्या प्रोस है, क्या कौन से, सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूँ 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से बता दो गाइस, आज की हमारी ये सेकंड वीडियो है। सुबह में हमने फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के ऊपर एक वीडियो डाले थे, मतलब उससे पहले फ्लिपकार्ट ने सारी डील्स को रिवील कर दिया। इनफैक्ट सेल पे भी यहाँ पर जा चुके हैं, बैंक ऑफर वगैरह कन्फर्म हो चुका है। तो आपको सारी चीज़ों के बारे में जानना है तो आई बटन में लिंक दे दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर शाओमी के नए स्मार्टफोन के बारे में, मी 11 लाइट एनई 5G, या बोल सकते हो शाओमी 11 लाइट एनई 5G। मतलब मी ब्रांडिंग उन्होंने हटा दिया, पता नहीं हटाए, लेकिन मैं मी 11 लाइट्स बोलूंगा, तो आप उसको एडजस्ट कर लेना। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बता देता हूं। उससे पहले आपको बता दूं, जो मी 11 लाइट 4G इंडिया में सेल होता है ना, सेम टू सेम स्मार्टफोन है, सिर्फ प्रोसेसर को चेंज कर दिया गया है, 5G डाल दिया गया है ना। आप बोल सकते हो अपडेट्स वगैरह आपको ज्यादा सालों के लिए देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से मैं यहां पर आपको कंप्लीट स्पेक्स बता देता हूं। बिल्ड और डिजाइन की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको फ्रंट में और बैक में एक्चुअल ग्लास देखने को मिलता है। बैक में आपको मैट फिनिश में दिखने में फोन यहां पर काफी जबरदस्त, काफी पतला स्मार्टफोन है, काफी लाइटवेट स्मार्टफोन है, तो बिल्ड क्वालिटी, इन हैंड फील वगैरह काफी अच्छी देखने को मिलेगी। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन आपको 6.55 इंच का एक पंच होल के साथ में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में एक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। 10 बिट का यहां पर ये डिस्प्ले रहने वाला है, एज वेल एज गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन भी आपको देखने को मिल जाती है। रैम एंड रोम की अगर हम बात करें तो दो वेरिएंट में इंडिया में लॉन्च करा गया है, 628 बेस वेरिएंट में आपको देखने को मिलता है, एज वेल एज 8128 वाला वेरिएंट भी मिल जाता है। हाइब्रिड सिम स्लॉट यहां पर आपको देखने को मिलता है, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप एंड LPDDR4X वाला रैम टाइप भी यहां पर आपको देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर आप बोल सकते हो अच्छा खासा अपग्रेड यहां पर Xiaomi ने करा है 4G वाले के कंपैरिजन में, क्योंकि यहां पर आपको Snapdragon का 778G वाला चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 6nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अभी लगातार 3 दिन में 3 स्मार्टफोन यही चिपसेट के साथ में लॉन्च हुए, IQ Z5 हो गया, Samsung M52 5G हो गया, एंड अभी Xiaomi का 11 Lite Any 5G, तो तगड़ा चिपसेट है। एंड Antutu स्कोर की बात कर रहा हूं, 5.5 लाख के आसपास आपको देखने को मिलता है। एंड सबसे बढ़िया चीज यहां पर Xiaomi ने ये करा है कि 12 5G बैंड्स का यहां पर सपोर्ट दिया है, तो फ्यूचर प्रूफ भी है एंड परफॉर्मेंस भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको बैक में ट्रिपल लेयर कैमरे का सेटअप मिलता है, 64+8+5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहां पर आपको 20 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। एंड्रॉइड वर्जन एंड UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 11 मिलता है, MIUI 12.5 आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिलता है। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, मेरे हिसाब से ये प्राइस पॉइंट पे इन डिस्प्ले होना चाहिए था, फेस अनलॉक का फीचर भी देखने को मिलता है। सैडली यहां पर आपको 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहां पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें, क्योंकि ये पतला स्मार्टफोन है, हल्का स्मार्टफोन है, तो बैटरी में आप बोल सकते हो थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, क्योंकि यहां पर आपको 4-50 mAh की बैटरी मिल जाती है टाइप सी पोर्ट के साथ में, एंड बॉक्स में आपको 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। तो कुल मिला के ये पूरे स्पेसिफिकेशन आपको Xiaomi 11 लाइट एनी 5G स्मार्टफोन पर देखने को मिलता है। 4G वाला वेरिएंट, 5G वाला वेरिएंट आइडेंटिकल आप कह सकते हो, सिर्फ सेल्फी कैमरे को 16 से 20 कर दिया गया है, एंड 732G की जगह पे 778G देखने को मिलता है, एंड 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं यहां पर इसके प्राइस पॉइंट के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो 678 वाला बेस वेरिएंट है, इंडिया में लॉन्च हुआ 27,000 rupees की प्राइस पॉइंट पे, एज वेल एज अगर हम ऑफर की बात करें तो ऑफर यहां पर Xiaomi ने फेस्टिव सीजन के लिए काफी तगड़े दिए। जो 27,000 rupees का स्मार्टफोन जो है, आपको डायरेक्टली अगर आप HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या EMI कराते हो, 2,000 rupees का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा Amazon के गेट इंडियन फेस्टिवल सेल में, एज वेल एज आप इनिशियल डेज में, मतलब फेस्टिव सीजन 2 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर के बीच में अगर परचेज करते हो तो 1,500 rupees का कुछ कूपन वगैरह का भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप सारे डिस्काउंट लगाते हो तो अराउंड ये 23,500 rupees के आसपास मिल जाता है। अगर आपके पास HDFC बैंक का कार्ड नहीं है तो अराउंड ये आपको 25,000 rupees का देखने
देखने को मिलते हैं। तो क्या ये प्राइस पॉइंट पे ये स्मार्टफोन को कंसीडर करना चाहिए, प्रोस क्या है कॉन्स क्या है? तो प्रोस की अगर हम बात करें तो लाइट वेट स्मार्टफोन है, दिखने में फोन काफी स्टाइलिश लुकिंग है, हल्का स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है, कैमराज अच्छे रहने वाले, परफॉर्मेंस अच्छी है, 5G बैंड भी अच्छे खासे देखने को मिल रहे, तो ये सारी चीजें चाहिए तो डेफिनेटली आप इसकी तरफ देख सकते हो। लेकिन कब देख सकते हो मैं आगे चल के बताऊंगा। वैसे कमियों के बारे में बात करें, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट नहीं है, हाइब्रिड सिम स्लॉट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, एंड क्योंकि ये पतला स्मार्टफोन है तो आपको बैटरी में यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। डिस्प्ले भी ये प्राइस पॉइंट पे बाकी के ब्रांड्स 120 हर्ट्ज का एमोलेड प्रोवाइड करा रहे हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, तो कॉम्प्रोमाइज भी अच्छे खासे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये किस किस को लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, तो देखो जो भी यहाँ पर ये खरीदने की सोच रहा है भाई, वो ऐसे टाइप के यूजर रहना चाहिए क्योंकि जिसको पतला स्मार्टफोन रहना चाहिए, हल्का स्मार्टफोन चाहिए, एज वेल एज बोल सकते हो डिसेंट परफॉर्मेंस एंड कैमरा वगैरह ठीक ठाक चाहिए, तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हो। लेकिन आप ऐसे टाइप के यूजर हो भाई, मेरे को मतलब बैटरी लाइफ एंड दिखने से मतलब नहीं है, मुझे ओवरऑल तगड़ा स्मार्टफोन चाहिए, सारी चीजें बेटर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन चाहिए, तो आप डेफिनेटली जो रियलमी GT मास्टर एडिशन है जो 21-20 हज़ार रुपये में मिल रहा है उसकी तरफ देख सकते हो, या अगर आप 25 हज़ार रुपये इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं बोलूंगा 1-2 हज़ार बढ़ा के जो आपको Mi 11X जैसे स्मार्टफोन मिल जाएंगे, इससे बेटर डिस्प्ले, इससे बेटर परफॉर्मेंस वहां पर आपको देखने को मिलेगी, तो बिग बिलियन डे सेल एंड ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इससे काफी तगड़ी डील आपको देखने को मिलेगी। तो ये स्मार्टफोन जो भी लोग परचेस करें मैं बोलूंगा अगर आपको 23,500 रुपए सारे ऑफर आप लगा दे, तो आपके पास बैंक कार्ड एंड सारी चीजें है, तो 23,500 रुपए में देखना चाहते हो देख सकते हो, कोई बहुत बेकार स्मार्टफोन नहीं है 23,500 रुपए में। लेकिन अगर आप सोच रहे हो 27,000 रुपए में, या इनफैक्ट 25,000 रुपए में अगर आप सोच रहे हो, तो मैं बोलूंगा इससे बेटर डील आपको यहाँ पर मार्केट में देखने को मिल जाती है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मी 11 लाइट एनी 5G स्मार्टफोन आपको कैसा लगा, क्या आप ये स्मार्टफोन की तरफ जाओगे नहीं जाओगे, ये स्मार्टफोन के रिगार्डिंग आपका कुछ क्वेरीज है या कुछ क्वेश्चंस है तो बेझिझक होकर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो आई होप कि हम सबको पसंद आई होगी, एंड गाइस अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।